वेलकम टू 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस देखो आराम से सुनिएगा ये क्लास को क्योंकि स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहला सवाल ये पार्शियल फ्रैक्शंस को हम पढ़ते क्यों है देखो जब भी आपके पास कोई कठिन इंटीग्रेशन आ जाए तो वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता क्यों क्योंकि हमारे वो जो कठिन इंटीग्रेशन है ना उसके अंदर कठिन फंक्शंस है वो हमारे फॉर्मूले से मैच नहीं करते इसलिए सॉल्व नहीं होता अच्छा अगर आपके सामने ईजी फंक्शन हो जाए जो सीधा फॉर्मुल इससे मैच करे तो आपको आंसर आता है हाँ सर जी जैसे इंटीग्रल एक्स का पावर एन इट इज़ इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अच्छा इंटीग्रल कांस्टेंट इट इज़ कांस्टेंट इनटू एक्स तो इजी फंक्शन जब आपके पास हो जाए तो वो इंटीग्रेशन का आंसर आसान है राइट ये जो कठिन फंक्शन को इजी फंक्शन में कन्वर्ट करने की यात्रा है ना ये जो प्रोसेस है ये जो टेक्निक है वही पार्शियल फ्रैक्शन है अब क्लियर हुआ वाई वी स्टडी पार्शियल फ्रैक्शन बिकॉज इट्स सिंप्लीफाइज इंटीग्रेशन टू बेसिक फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसका फॉर्मिला लिस्ट में आंसर हमको पहले से पता है राइट right? अब दूसरा सवाल होगा कि सर जी पार्शियल फ्रैक्शन करता क्या है वाई वी स्टडी ये तो हमको समझ में आ गया कठिन फंक्शन को इजी फंक्शन में कन्वर्ट करता है पर सवाल ये है दूसरा कि कोई भी कठिन फंक्शन को वो इजी में कन्वर्ट कर देगा या इसकी कोई लिमिटेशन है तो इसकी लिमिटेशन है व्हेन टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन ओनली वेन यू हैव प्रॉपर फंक्शन सर ये प्रॉपर फंक्शन क्या होता है चलो समझाता हूँ देखो आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एक फंक्शन है इसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन अब न्यूमरेटर की डिग्री अगर कम हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से तो ऐसे फंक्शंस को हम कहेंगे प्रॉपर फंक्शंस और ऐसे फंक्शंस में ही पार्शियल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है पर सर जी अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू द डिनोमिनेटर की डिग्री तो उस केस में उस फंक्शंस को कहा जाता है इम्प्रॉपर फंक्शंस और इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते यही लिमिटेशन है चलो एग्जांपल से समझाता हूँ प्रॉपर फंक्शन इम प्रॉपर फंक्शन मान लो कि मेरे पास एक रैशनल फंक्शन है कुछ इस प्रकार के एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेर प्लस वन तो बताना न्यूमरेटर की डिग्री क्या है सर इसमें हम देख सकते हैं x का पावर वन यही हाईएस्ट है पावर ठीक है यही जो हाईएस्ट है वही उसकी डिग्री है सो so, न्यूमरेटर की डिग्री वन है अच्छा डिनोमिनेटर में बताना x का पावर n वाले में जो n हाईएस्ट है वो क्या है सर वो है टू यहाँ पर तो इसमें है टू तो डिग्री डिनोमिनेटर की ज़्यादा है कंपेयर टू द न्यूमरेटर राइट तो इस केस में ये हो गया क्या ये हो गया एक प्रॉपर फंक्शन जिसमें पार्शल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है क्लियर है अब इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं इम प्रॉपर फंक्शन का मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर में मेरे पास है एक्स माइनस वन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है एक्स का पावर एन जहाँ पर एन सबसे ज़्यादा वो है टू वो है टू देखो यहाँ पर इसमें ही है वो तो डिग्री हो गया टू नीचे में डिग्री कितना हो गया डिग्री हो गया वन तो अब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो गई कंपेयर टू डी डिग्री इसलिए ये हो गया इम्प्रॉपर फंक्शन इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते ठीक है अब समझ में आ गया एग्जाम्पल की मदद से के कौन है इम्प्रॉपर फंक्शन कौन है प्रॉपर फंक्शन और कहा पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं अब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हम इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट कर सके ताकि हम पार्शियल फ्रेशन का यूज कर सके इम प्रॉपर फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू प्रॉपर फंक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अब लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होता क्या है कि आपका ये जो फंक्शन था पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स जो इमप्रॉपर है राइट right? वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है इस वाले प्रोसेस से और बन जाता है वो डिवीज़न करते वक्त क्वेश्चन रिमाइंडर ये सारी चीज़ होगी तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय की ऑफ़ एक्स ऐसा करोगे ना तो ये जो टर्म है ये प्रॉपर फंक्शन का बन जाता है और ये तो एक ही है इसमें तो क्या ही कहना ठीक है तो इस प्रकार से चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा देख करके हम कह सकते हैं न्यूमरेटर में ये है डिग्री फोर हाइएस्ट और इसमें है डिनोमिनेटर में हाइएस्ट डिग्री टू तो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है कंपेयर टू द डिनोमिनेटर की डिग्री इसलिए ये इम्प्रॉपर फंक्शन है ये मेरा पहला कंक्लूजन ये कैसा है ये है सर जी एक इम प्रॉपर फंक्शन अगर ये एक इम प्रॉपर फंक्शन है तो क्या इसको प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है यस कैसे ये लॉन्ग डिविज़न प्रोसेस से ये इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं चल तो कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग डिविज़न करते हैं सबसे पहले हमारा ये जो डिवाइज़र है उसको मैंने लिखा ठीक है ये और जो डिविडेंड है उसको मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है इस प्रकार से लिख रहा हूँ ताकि पावर्स में आपको कन्फ्यूज़न ना हो ठीक है ये आप देख सकते हो x का पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस सेवन इसको मैंने कैसा लिखा है x का पावर फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स प्लस टू एक्स प्लस सेवन दोनों सेम ही है कन्फ्यूज़ मत होना और जो डिनोमिनेटर है उसको तो ऐसा कैसा ही लिखा है इसमें तो कोई फेरबदल की नहीं है अब चलो लॉन्ग डिविजन करते हैं सबसे पहले मुझे ये टर्म चाहिए कैसे मिलेगा इसमें से सर uh, इसमें है ना अगर आप एक्स स्क्र मल्टीप्लाई कर दो ना तो ये वाला टर्म निकल आ जाता है क्योंकि एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्वायेर इस एक्स का पावर फोर चलो बहुत बढ़िया तो मैं एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करूँगा इस डिवाइजर को तो टर्म निकल करके आ रहे हैं x का पावर फोर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एक्स क्यूब बनेगा सो थ्री एक्स क्यूब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा टू एक्स अब करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने पर सेम सेम टर्म कट जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो जीरो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब बनेगा माइनस थ्री एक्स क्यूब सिमिलरली यहाँ पर जीरो एक्स स्क्र माइनस टू एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस टू एक्स स्क्र फिर है हमारे पास प्लस टू एक्स प्लस सेवन अब मुझे लाना है ये टर्म कैसे लाऊँगा मैं इसकी मदद से सर माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर दो जब माइनस थ्री एक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री एक्स बन जाएगा चलो बहुत बढ़िया तो मैं माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एक्स बना फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस नाइन एक्स स्क्वायर बना फिर नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो माइनस सिक्स एक्स बना अब मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करने से क्या होता है साइन सबकी चेंज हो जाती है ठीक है तो जैसे ही साइन चेंज हो गई तो ये वाला ये वाला कट जाएगा इसमें माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद तो ये बन जाएगा अपने आप में सेवन एक्स स्क्वायर फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास एट एक्स और फिर सेवन तो सीधा का सीधा आएगा अब मुझे चाहिए सेवन एक्स स्क्वायर क्या करें कुछ नहीं इसमें सेवन से अब मल्टीप्लाई करो ये लो प्लस सेवन तो अब तो आप प्रोसेस जान चुके हो सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी वन एक्स प्लस सेवन टू जर फोर्टीन सब करेंगे तो एट माइनस ट्वेंटी वन माइनस थर्टीन एक्स सेवन माइनस फोर्टीन इज माइनस सेवन ये आपका रिमाइंडर है इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते डिवीज़न क्योंकि अब आप देख सकते हो इसकी पावर कम है और इसकी पावर ज़्यादा है तो अब आगे डिवीजन होगा नहीं अब क्योंकि आगे डिवीजन होगा नहीं तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या बना ये है मेरा क्वेशन और नीचे वाला मेरा क्या है रिमाइंडर ठीक है और कैसा लिखना है अब हमको अब हमको इस चीज को लिखना है एस ध्यान से देखना क्वेश्चन प्लस रिमेंडर बाई क्यू ऑफ एक्स चलिए तो जो हमारा इमप्रॉपर फंक्शन था ना अब उसको हम क्या कहेंगे अब इसको हम कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू नाउ क्वेश्चन क्वेश्चन कितना था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन ये था एक्स स्क्वायेर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर कितना था ध्यान से देखना रिमाइंडर था माइनस थर्टीन एक्स माइनस सेवन माइनस थर्टीन एक्स माइनस सेवन डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स यान ये जो डिवाइजर है वही सो यही हमारा क्यू ऑफ एक्स है सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू अब बताना जरा अब बताना इसको देख करके क्या ये प्रॉपर फंक्शन में हो गया है न्यूमरेटर की डिग्री वन डिनोमिनेटर की डिग्री टू न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से यस yes, तो ये प्रॉपर फंक्शन हो गया है तो अब फाइनली आप कह सकते हो इम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है प्रॉपर फंक्शन में प्रॉपर फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया है तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल अब दूसरा एग्जाम्पल देखना एक्स प्लस टू अपॉन एक्सक्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वन चलो इसको कन्वर्ट करो लॉन्ग डिविजन प्रोसेस है तो कुछ स्टूडेंट सीधा लग चुके हैं डिवाइजर डिविडेंड लिख रहे हैं ओए इसमें लॉन्ग डिविज़न लगेगा नहीं क्यों क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा प्रॉपर फंक्शन है तो बिना सोच समझ करके कभी भी लॉन्ग डिविज़न करना मत देखो न्यूमरेटर में पावर है वन इसमें हाईएस्ट क्या है टू तो न्यूमरेटर की डिग्री वैसी छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से तो ये प्रॉपर फंक्शन है एग्जाम्पल वन में उल्टा था ना न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा थी डिनोमिनेटर की डिग्री से इसलिए इम था इसलिए ये लॉन्ग डिविजन करना पड़ा तो अब तक चीज़ें क्लियर हैं क्या चीज़ें हमने पढ़ी है अब तक पार्शल फ्रैक्शन क्यों यूज़ करते हैं किस में यूज होता है वो एक थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो गया कि प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए अगर इम फंक्शन है तो प्रॉपर में कन्वर्ट करो फिर जा करके यूज करो ये सारी चीज़ ठीक है अब एक टेबल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना ये सारी चीज़ें जो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी है वो कैसी है प्रॉपर फंक्शन प्रॉपर फंक्शन जब भी ऐसे प्रॉपर फंक्शंस का इंटीग्रेशन 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 मांगा जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ईजी बेसिक फंक्शंस में देख सकते हो जिसका इंटीग्रेशन का आंसर आपको पता है राइट इंटीग्रल वन अपॉन एक्स माइनस ए आपसे पूछे कोई तो आंसर क्या है लॉग एक्स माइनस ए पता है ना आपको तो देखो इजी फंक्शंस में उसने कन्वर्ट कर दिया और ये जो लेफ्ट साइड से राइट right साइड में जाने की प्रक्रिया है यही पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक है और कैसे यूज करना है ध्यान से देखना हर एक प्रॉपर फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंट तरीका है कन्वर्ट करने का सेम नहीं है तो ध्यान से देखना ईजी तरीके से बताता हूँ जब आपके पास पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस भी होगा तो उस केस में आपका पार्शल फ्रैक्शन हो जाएगा ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी यानी यहाँ पर आपके फैक्टर्स बने ना एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी तो कुछ नहीं ये फैक्टर्स को अलग अलग से लिखना है आप देख सकते हो ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी ओके और ये ए बी को फिर फर्दर फाइंड करना है ताकि ये जो इंटीग्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाए एक सिंपल इंटीग्रेशन में ए और बी अगर आपको पता चल जाते हैं कैसे क्या पता करना है एग्जाम्पल मैं सिखाऊंगा ठीक फिर इसका इंटीग्रेशन तो आप एक स्टेप में निकाल सकते हो सिमिलरली जब ये x माइनस बी ना हो ये भी x माइनस ए हो जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बनेगा ऐसा प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर तो जब नीचे एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर आ जाए तो ध्यान से देखना इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर मान लो सर जी मेरे पास हो जाता इस प्रकार से पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए दी होल क्यू तो उस केस में आंसर होता ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस ए का क्यूब ऐसे ये ट्रेन चलती जाती है ठीक है क्लियर हो रहा है सिमिलरली नीचे देखो आप, आपके पास क्या है एक दो तीन तीन फैक्टर्स है तो ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाय सेकेंड फैक्टर प्लस सी बाय थर्ड फैक्टर ठीक है अब अगर इसमें पावर में टू आ गया तो क्या वो गाड़ी चलानी है ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस इसमें तो पावर वन ही है ना तो ये एक ही बार आएगा ठीक है जितना पावर उतनी बार गाड़ी चलानी है देखो इसमें पावर तीन था तो तीन बार गाड़ी चलाई एक दो तीन ठीक है इसमें पावर टू था तो दो बार गाड़ी चलाई एक दो क्लियर अच्छा यहाँ पर अब आना इसमें क्या है नीचे एक आ गया है कोडराटिक है ना तो जब फैक्टर्स में कोडराटिक आ गया जिसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो आप तो इस केस में पार्शल फ्रैक्शन क्या होगा देखो जिसका फैक्टर है वो तो सीधा आ जाएगा ए बायक्स माइनस है प्लस अब ये जो है इसका क्या करें इसको तो पहले लिख दो और क्योंकि ये कोड्रैटिक है तो ऊपर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव फॉर्मेट यानी कोड्रैटिक का डेरिवेटिव क्या होता है लीनियर तो लीनियर आ गया बी एक्स प्लस सी क्लियर है याद रखने को आसान है ना कोई कठिनाई वाली बात नहीं है फैक्टर्स को अलग अलग लिखना है फैक्टर्स में पावर चढ़ जाए तो उतनी बार गाड़ी चलानी है ठीक है फैक्टर्स जितने भी आ जाए उतने बार में हम स्प्लिट करके लिखेंगे पावर अगर बढ़ जाए तो उस हिसाब से गाड़ी चलाएंगे कोड्रैटिक आ जाए तो ऊपर लीनियर रखेंगे नीचे क्यूबिक आ जाए तो ऊपर कोड्रैटिक हो जाएगा ऐसे आपको याद रखना है ठीक है तो ये टेबल है मुझे लगता है अब तक कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो अब सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं यूज कैसे करना है प्रैक्टिकली अब उस पर चर्चा करते हैं देखो ये इंटीग्रेशन आपके सामने कठिन इंटीग्रेशन है ना क्यों क्योंकि डायरेक्ट आंसर हमको आता नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है अब ये चैप्टर ही पार्शियल फ्रैक्शन है तो आपको पता चल चुका है पार्शियल फ्रैक्शन पर एग्जाम में थोड़ी ना दिया जाएगा यूज पार्शियल फ्रैक्शन एंड सॉल्व तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है सबसे पहले आपको चेक करना है प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या हाँ तो यहाँ पर न्यूमरेटर की जो डिग्री है ठीक है सो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है यहाँ पर आप देखो है ही नहीं कॉन्स्टेंट है सो कांस्टेंट यानी डिग्री तो जीरो हो गई ठीक है सो so, वो लेस है कंपेयर टू दी डिग्री ऑफ दी डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ़ दी डिनोमिनेटर इसमें क्या होगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र तो डिग्री टू होगी राइट तो ये एक कैसा हो गया ये एक हो गया प्रॉपर फंक्शन जब एक प्रॉपर फंक्शन हो जाए तब पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमेशा चेक करना है ठीक है अब दूसरा स्टेप यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन सो पार्शियल फ्रैक्शन टेबल की मदद से हम ये कहेंगे ये जो हमारा फंक्शन है वन अपॉन एक्स प्लस वन इन टू एक्स प्लस टू इसके पास कितने नीचे फैक्टर है दो फैक्टर है तो वो अलग अलग में हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं एज ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाई सेकेंड फैक्टर ये है आपका पार्शल फ्रैक्शन का टेबल ध्यान से देखो अगर दो फैक्टर है तो स्प्लिट करके ऐसे फैक्टर्स को लिख सकते हैं ठीक है चलो अब ए एंड बी को फाइंड करना है यही हमारा थर्ड स्टेप होगा तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही जाना है दिक्कत नहीं होगा पहले चेकिंग करो क्या पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं जब यस yes आ जाए तो फिर टेबल की मदद से स्प्लिट करके लिखो फिर लिखने के बाद ए एंड बी फाइंड करना है वो कैसे करेंगे यह है हमारा तीसरा स्टेप ध्यान से देखना कुछ नहीं ये जो टर्म है ये थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो इधर भी और इधर भी तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो वन हो जाएगा राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वन एक्स प्लस वन कटेगा x प्लस टू बचेगा राइट right? ध्यान से देखना ये टर्म पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई करो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू तो कटा ना ये दोनों a के साथ कौन बचा x प्लस टू बचा अब विजुलाइज कर पा रहे हो a के साथ कौन बचा x प्लस टू बचा प्लस सिमिलरली ये जब इसके पास जाएगा तो x प्लस वन इन टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू कटेगा b के बगल में x प्लस वन बचेगा ठीक है सो so, b के बगल में कौन बचा x प्लस वन बचा अब मुझे ए एन बी निकालना है कैसे निकाले बहुत सिंपल है इनको सबको आपस में मतलब मल्टीप्लाई कर लो ए जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स प्लस टू ए बनाएगा बी जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स प्लस बी बनाएगा आ, हाँ ये चीज़ होगी अब जो सेम सेम प्लेयर है उनको कंबाइन करो। जैसे इसके पास x का पावर वन है इसके पास भी x का पावर वन है तो इनको कंबाइन करो। और उसमें से x कॉमन बाहर निकाल लो ठीक है अब बाकी बचे कांस्टेंट है इनको कंबाइन कर लो 2a ए प्लस बी ठीक है लेफ्ट हैंड साइड में जो वन है ना उसको हम ऐसा लिख सकते हैं जीरो एक्स प्लस वन ऐसा क्यों ऐसा लिखा ताकि हम कंपेरिजन कर सकें ये x का पावर वन के कोफिशेंट x के पावर वन के कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे ये कांस्टेंट, कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे समझ में आ रही है बात किसको किससे किस से किया कांस्टेंट को कांस्टेंट से x के पावर वन को x के पावर वन से तो जब कंपेयर किया तो इक्वेशंस मिलेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन मिला और नेक्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिला वन इज इक्वल टू टू ए प्लस बी अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमको ए एन b मिल जाएगा क्लियर हो रहा है प्रोसेस तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पर कि a इज इक्वल टू एक काम करते हैं ऐसे सॉल्व करते हैं ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो और टू ए प्लस बी इक्वल टू वन ये था दोनों को सब ट्रैक कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस टू ए बन जाएगा माइनस ए बी माइनस बी कटेगा राइट हैंड साइड में माइनस वन बचेगा यानी ए का वैल्यू आ गया वन ए अगर आ गया वन तो बी कैसे होगा तो इसमें से हम कह ही सकते हैं जब ए प्लस बी बराबर जीरो है तो बी हो जाएगा माइनस ए देर फोर बी की वैल्यू आ गई माइनस वन समझ में आ गया ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू माइनस वन अगर हाँ तो ए एन बी फाइंड हो चुके हैं अब देर फोर देर फोर इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो क्या होगा इंटीग्रेशन का आंसर देखो पहले तो मैं ऐसे लिखना चाहूँगा क्या है पहला सवाल है ना तो इतना घाई गड़बड़ नहीं करते हुए पहले तो मैं लिखना चाहूँगा ए एन बी यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए है तो ये स्टेप जो है अब वो कन्वर्ट हो चुका है इस प्रकार से किस प्रकार से ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू है माइनस वन इस प्रकार से कन्वर्ट हो चुका है अब आपको चाहिए था इंटीग्रेशन ध्यान से देखना क्या चाहिए था आपको आपको चाहिए था इस चीज़ का इंटीग्रेशन एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं जाऊंगा ताकि पहला एग्जांपल जब आप नोट्स में भी रेफ़र करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो फिर सेकंड थर्ड एग्जांपल से हम थोड़े से स्टेप्स कट कर सकते हैं राइट अब चाहिए था इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स चल तो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए अब तो आसान है ना अब तो कोई कठिनाई आपको होगी नहीं क्योंकि अब आप क्या करोगे इंटीग्रल वन अपॉन एक्स प्लस वन ये तो हमारे फॉर्मूला से मैच करता है ये है लॉग एक्स प्लस वन राइट माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या है लॉग एक्स प्लस टू ठीक है तो ये कितना हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी ए लॉग ए बाई बी और प्लस सी भूल मत जाना क्योंकि यह है कांस्टेंट ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्लियर यह आपका फाइनल आंसर हो गया यूजिंग दी पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही आसान से स्टेप है पहला स्टेप क्या यूज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन दूसरा टेबल की मदद से जो भी आपका यहाँ पर फंक्शन है उसको ऐसे सिंपलर फंक्शंस में कन्वर्ट करो राइट right? फिर तीसरा स्टेप है ये जो कांस्टेंट्स निकले हैं इसमें तो उसको फाइंड करो और इस प्रकार से फाइंड करना है ये जो डिनोमिनेटर है ये थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो फिर कोफिशंस को कंपेयर करो एंड इक्वेशंस मिलेंगे फिर वो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो ए एन बी मिलेगा ये एक्चुअली टाइम टेकिंग प्रोसेस है ठीक है जैसे ही ए एन बी मिल गया फिर तो ईजी है फिर तो इंटीग्रेशन चुटकियों में आ जाता है चलो अगर आप प्रोसेस समझ चुके हो तो अगले एग्जाम्पल पर जाते हैं एक्जाम्पल टू आपके सामने ये आप खुद से ट्राई करोगे पहले फिर मेरे सोल्यूशन को देखना इंटीग्रल एक्सक्वायेयर प्लस वन अपॉन एक्सक्वायर माइनस वाई एक्स प्लस सिक्स डी एक्स क्या होगा तो चलिए अब एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं अब ध्यान से न्यूमरेटर का डिग्री टू है डिनोमिनेटर का डिग्री भी टू है तो सर जी ये प्रॉपर फंक्शन हुआ या नहीं क्योंकि बेसिक्स में आपने ये कहा था कि न्यूमरेटर का डिग्री कम हो जाए डिनोमिनेटर के डिग्री से तो तो प्रॉपर फंक्शन है ज़्यादा हो जाए न्यूमरेटर का डिग्री कंपेयर टू डिनोमिनेटर तो इम्प्रॉपर तो है बट बराबर हो जाए उसका बताया नहीं था ये देखो अगर बराबर भी हो जाए ना तो भी इम्प्रॉपर फंक्शन है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन दोनों ऊपर नीचे डिग्री है वन तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर तो इम्प्रॉपर फंक्शन है ओ नो सर जी अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फंक्शन है तो डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा इसको लॉन्ग डिविजन प्रोसेस से कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फंक्शन में तब जा करके पार्सल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे बिल्कुल तो चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप यही था कि आपको समझ में आ जाए कि जो न्यूमरेटर का जो डिग्री है ऐसा लिखता हूँ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ़ डिनोमिनेटर यानी ये है एक इम प्रॉपर फंक्शन अगर एक इम्प्रॉपर फंक्शन है तो उसको कन्वर्ट करने का प्रॉपर फंक्शन में राइट अब कैसे कन्वर्ट करने का सर जी कन्वर्ट uh, करने के लिए आपको सबसे पहले डिवाइजर लिखना है फिर उसके बाद हमारे पास है डिविडेंट डिविडेंट है एक्स स्क्वायेयर प्लस वन अब ये टर्म ये टर्म सेम टू सेम तो इसका मतलब वन से ही मल्टीप्लाई करना है जब वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स आपको मिलेगा राइट अब सब्ट्रैक्शन करना है सो एक्स स्क्वायेर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा ठीक है कांस्टेंट में वन माइनस सिक्स माइनस फाइव हो जाएगा ये प्लेयर ये प्लेयर का ऊपर कोई प्लेयर नहीं है तो ज़ीरो एक्स सो जीरो एक्स माइनस ऑफ माइनस दिस थिंग सो बन जाएगा प्लस फाइव एक्स ये अब यहाँ पर स्टॉप होना है क्योंकि रिमाइंडर का डिग्री कम हो गया डिवाइजर से तो आगे डिविजन हो नहीं सकता स्टॉप तो फाइनली हम कह सकते हैं क्वेश्चन आ चुका है रिमाइंडर आ चुका है तो ये जो इम्प्रॉपर फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है राइट कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है सर जी जब भी हमारे पास न्यूमरेटर ऑफ एक्स बाई डिनोमिनेटर ऑफ एक्स का फॉर्मेट हो जो इम्प्रॉपर का हो तो हम कहेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाई डिनोमिनेटर ऑफ एक्स राइट ये ये कहेंगे और देर अब हम कह सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन इज वन रिमेंडर इज फाइव एक्स माइनस फाइव डिनोमिनेटर इज एक्स 5x माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ठीक है तो लिखना चाहूंगा ये था इम प्रॉपर और ये बन गया आपका प्रॉपर ठीक है सो so, इम प्रॉपर फंक्शन से प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करने की यात्रा हो चुकी है तो ये पहला स्टेप था कहीं प्रॉपर फंक्शन है तो प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करो और अगर प्रॉपर फंक्शन है तो सीधा स्टेप नंबर टू पर जाओ ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया बट कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए प्रॉपर फंक्शन आ चुका है सो सेकेंड स्टेप इज पार्शल फ्रैक्शन अब ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन तो पता है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं आएगा ये जो कठिन इंटीग्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर सकता है एक ही चीज़ पी एफ पार्शियल फ्रैक्शन को इन शॉर्ट में पी कहता हूँ ठीक है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे क्या डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं अरे सर जी इसका तो फैक्टर फैक्टर है ही नहीं तो बनाओ फैक्टर ट्रिक है ना ट्रिक से बनाओ ट्रिक क्या है जब भी माइनस प्लस आ जाए तो फैक्टर में माइनस माइनस आएगा ऐसे नंबर खोजो मल्टीप्लाई करने पर प्लस सिक्स ऐड करने पर माइनस फाइव सो सर जी ये तो थ्री एंड टू हुआ थ्री टू ये देखो माइनस थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई किया तो प्लस सिक्स एड किया तो माइनस फाइव मिल गए आपके फैक्टर x माइनस थ्री एक्स माइनस टू समझ में आ रही है बात तो इसको फिर ऐसे लिखो फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री 2 into x minus 2 या कैसे भी आपको लिखना है ऐसे भी लिख सकते हो x minus 2 into x minus 3 फॉर्मेट मैटर नहीं करता आगे पीछे right क्योंकि 2 into 3 3 into 2 एक ही बात होती है अब पार्शियल फ्रैक्शन टेबल की मदद से नीचे दो फैक्टर है स्प्लिट करके लिखा जा सकता है as a by x minus 2 plus b by x minus 3 अब ये a एंड b को खोजना है चलो खोजते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो इसको कॉपी किया जाए आगे फिर इसके बराबर है तो इसको कॉपी किया जाए यहाँ पर कॉपी कर लिया ई खोजने के लिए क्या कहा था मैंने मैंने कहा था ये वाली चीज इधर और इधर लेफ्ट और राइट दोनों में मल्टीप्लाई करवा लो तो जब दोनों में मल्टीप्लाई करवाएंगे सर जी तो फाइव एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ये फैक्टर इससे कटेगा तो ए के बगल में कौन बैठेगा एक्स माइनस थ्री बैठेगा प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री कटेगा तो एक्स माइनस टू ये बगल में बैठेगा चलो अब राइट हैंड साइड को सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा अब जल्दी से सिम्पलीफाई कर लेना देखो ये ए एक्स और ये बी एक्स तो x कॉमन निकाला जा सकता है a प्लस बी बचेगा कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है तो माइनस थ्री ए ध्यान से देखना माइनस थ्री ए और ये माइनस टू बी ये कांस्टेंट की कहानी ठीक है और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है फाइव एक्स माइनस फाइव कंपेरिजन से आपको खेलना है कंपेरिजन करो इसका और इसका कंपेरिजन और किचका और किचका कंपैरिजन सर जी इसका ये देखो ये कांस्टेंट कांस्टेंट का कंपैरिजन चल आगे बढ़े आगे बढ़े तो यहाँ पर फाइव ऐसा लिख देता हूँ मैं ए प्लस बी बराबर पाँच ए प्लस बी बराबर पाँच इसमें ये इसके बराबर सो माइनस थ्री ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस फाइव ये अब ए को खोजना है खोजने के लिए मेहनत है मेहनत करेंगे हम बिल्कुल यहाँ पर करेंगे ठीक है तो मैं क्या करूँगा बेसिकली ऊपर वाले प्लेयर को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगा किस से थ्री से सो थ्री ए प्लस थ्री बी दैट इज़ इक्वल टू फिफ्टीन और नीचे वाला एज इट इज़ रखना चाहूँगा एक काम करते हैं इसमें ना एज इट इज़ ही रख देते हैं ताकि फिर एडिशन करें तो वो प्लेयर्स कट जाएंगे अब एडिशन करेंगे ठीक है एडिशन सो थ्री ए माइनस थ्री ए कट जाएगा थ्री बी ए माइनस टू बी बी हो जाएगा फिफ्टीन माइनस फाइव हो जाएगा दस बी का वैल्यू आ गया दस ए खोजना है तो ए यहाँ से खोज सकते हैं कि अगर ए प्लस बी बराबर पाँच है तो ए हो जाएगा फाइव माइनस बी यानी फाइव माइनस टेन यानि माइनस फाइव हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से ए आ गया यहाँ से बी आ गया और अब हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो सकता है ठीक है उप्स जगह हो गई है कम हमको करनी पड़ेगी ऐड कर लेते हैं ऐड ताकि हम जा सकेंगे फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर राइट right? तो अब ध्यान से देखना इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना है अब यही है हमारा नेक्स्ट स्टेप राइट तो कौन से स्टेप तक हम कंप्लीट कर चुके थे सेकेंड स्टेप हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया थर्ड स्टेप में हमने ए एन बी को सॉल्व किया ठीक है थर्ड स्टेप हो गया अब ये फोर्थ स्टेप की बारी जब ए एन बी निकल आ चुके हैं यानी ए की वैल्यू थी माइनस फाइव बी की वैल्यू थी दस करेक्ट है जी एक बार चेक कर लेना यही कहानी थी हाँ तो अब इंटीग्रेशन की चर्चा करेंगे ठीक है देर फोर इंटीग्रेशन ये है ना एक्चुअली हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं है तो मैं इधर ही लिखना चाहूँगा इनका रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन कितना होगा जब इसका इंटीग्रेशन मांगे तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन स्प्लिट होता है याद रखना इंटीग्रल एफ प्लस जी को हम इंटीग्रल एफ प्लस इंटीग्रल जी कह सकते हैं और सर जी इंटीग्रल एफ इंटू जी को क्या हम इंटीग्रल एफ इंटू इंटीग्रल जी इंटीग्रल जी कह सकते हैं नहीं मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते ठीक है, है याद रखना ये चीज़ चल अब यहाँ पर इजी वाले इंटीग्रेशन है जिसका आंसर आपको मौजबानी याद होना चाहिए माइनस फाइव बाहर हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ये टेन बाहर हो जाएगा बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री ये फाइनल आंसर नहीं है आपको याद है ना आपको याद है कि हमको सॉल्व करना था ये वाला इंटीग्रेशन राइट हमारा क्वेश्चन था कैन यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन ठीक है आंसर पर आते हैं अब आंसर इस हमको ये इंटीग्रेशन चाहिए था तो वो इस वाले इंटीग्रेशन के बराबर होगा राइट सो so, इंटीग्रल वन तो हमारा कितना है इंटीग्रल वन तो एक्स है प्लस इसका इंटीग्रेशन जो है इसका इंटीग्रेशन इधर हमने सॉल्व किया है तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा ये और प्लस सी लगाना भूल मत जाना क्योंकि प्लस सी रिप्रेजेंट्स दी कॉन्स्टेंट ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ये हो गया आपका आंसर ईजी है पार्सल फ्रैक्शन कठिन तो नहीं स्टेप बाई स्टेप ही जाना है पहले चेकिंग होगी प्रॉपर फंक्शन आ गया तो सीधा सेकेंड स्टेप <coughs> नहीं आया तो कन्वर्ट करो लॉन्ग डिविजन प्रोसेस फिर आ गया फिर जाओ सेकेंड स्टेप में टेबल की मदद से अगर फैक्टर्स फैक्टर्स है तो स्प्रिटिंग ऑफ द फैक्टर्स फैक्टर्स नहीं है तो लेकर आओ फैक्टर्स में आ सकते तो बढ़िया नहीं आ सकते तो फिर लीनियर वाले फॉर्म में जाना पड़ेगा ऊपर लीनियर नीचे कोटरेटिक वैसे वाले फॉर्म में चलो फिलहाल तो फैक्टर्स आ गए थे तो स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं सो so, आप देख सकते हो सैम इक्वेशन ने बनाए ए एन बी को निकाला सब्सिट्यूट किया आंसर आ गया ईजी चलिए अगले एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल थ्री आपके सामने इंटीग्रल थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स कितना होगा वीडियो को पॉज कीजिए ट्राई कीजिए फिर मेरे सोल्यूशन को देखना तो चलिए सल्यूशन को देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या ये हमारा प्रॉपर फंक्शन है या नहीं न्यूमरेटर की डिग्री वन है डिनोमिनेटर में ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक्स क्यूब बनेगा तो डिनोमिनेटर की डिग्री थ्री है तो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर से तो यस yes, ये है एक प्रॉपर फंक्शन अब अगर ये प्रॉपर फंक्शन है तो फिर पार्शल फ्रैक्शन टेबल की मदद से उसे स्प्लिट कर लो सो थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर इन टू एक्स प्लस थ्री किसके बराबर होगा ए बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस थ्री कहा था ना अगर ये फैक्टर के इसमें पावर टू है तो दो बार गाड़ी चलानी है तीन होगा तो तीन बार गाड़ी चलाएंगे तो इस प्रकार से इसकी इसमें तो वन ही था तो एक ही बार काफ़ी है चलिए ये आ गया अब एन ए बी एन सी को निकालना है यार ये तो कठिन मामला है तीसरे स्टेप में निकलेगा तीन तीन इक्वेशन बनाने पड़ेंगे इसलिए कठिन है चलो अब यहाँ पर तीसरा स्टेप होगा ये डिनोमिनेटर जो है आ, लेफ्ट और राइट दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट बन जाएगा थ्री एक्स माइनस टू राइट में बन जाएगा क्या ए इंटू एक्स प्लस वन इन एक्स प्लस थ्री कर पा रहे हो एक फैक्टर कटेगा ये दो प्लेयर ए के बगल में बचेंगे ठीक है इसमें ये पूरा कट जाएगा बी के बगल में सिर्फ एक्स प्लस थ्री बचेगा सी के बगल में कौन बचेगा एक्स प्लस वन का स्क्वेयर ये बचेगा मशक्कत करनी पड़ेगी तो करो मशक्कत किसने मना किया है ठीक है तो यहाँ पर a इंटू ये वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेंगे एक्स स्क्वेयर फिर ये x प्लस थ्री एक्स इस फोर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट की कहानी थी। थ्री ठीक है फिर b x प्लस थ्री प्लस सी ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन ठीक है अब एक्स स्क्वायेर के प्लेयर्स एक साथ a इंटू एक्स स्क्वायेर सी इंटू एक्स स्क्वायेर ठीक है तो एक्स स्क्वायेर के साथ होंगे a प्लस सी और फिर x के साथ कौन कौन होंगे फोर ए फोर ए प्लस बी प्लस बी प्लस टू सी प्लस टू सी कॉन्स्टेंट्स एक साथ थ्री ए थ्री बी सी ठीक है थ्री ए थ्री बी सी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन है देखो तो ज़रा ज़ीरो एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू यही है ना जीरो एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस टू ठीक है अब चलिए कंपेयर करते हैं कंपेयर करते हैं जीरो एक्स स्क्वायर को इसके साथ नेक्स्ट इसको इसके साथ नेक्स्ट 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 कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और तीन इक्वेशन बनाते हैं तो पहला इक्वेशन हो जाएगा ए प्लस सी बराबर जीरो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा फोर ए प्लस बी प्लस टू सी बराबर तीन ठीक है एक काम करता हूँ कटिंग करके इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि आगे वैसे हमको सॉल्व करना ही है ठीक है चल और फिर जो तीसरा इक्वेशन हमको दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट इससे कंपेयर किया तो 3a ए प्लस थ्री बी प्लस सी e बराबर माइनस टू ये ये हमारा तीसरा इक्वेशन यहाँ से आ चुका है चलो अब इसको सुलझाना है टू गेट दी आंसर कैसे क्या करेंगे तो मेरे दिमाग में एक तरकीब चल रही है तरकीब यह है कि ऊपर वाला हमको इंडिकेशन दे ही रहा है कि a बराबर माइनस सी होगा हाँ जी यही होगा a बराबर माइनस सी तो है ना इनमें अब a की जगह माइनस सी कर दो तो हो जाएगा माइनस फोर सी प्लस बी प्लस टू सी बराबर तीन इसमें a को कर दिया माइनस सी तो ये भी बन जाएगा माइनस थ्री सी प्लस थ्री बी प्लस सी दैट इज़ माइनस टू ऊपर वाला भी क्या बन रहा है माइनस फोर प्लस टू इज माइनस टू तो ये हो रहा है बी माइनस टू सी बराबर तीन नीचे हो रहा है थ्री बी माइनस टू सी बराबर माइनस टू चल ये आ गया है कहानी क्या ये आपस में सुलझ रही है बात डायरेक्टली हाँ सर जी आपस में ये बात सुलझ रही है अगर कर दो सब्ट्रैक्शन चलो तो कर देते सब्ट्रैक्शन जब मैंने कर दिया सब्ट्रैक्शन सो बी माइनस थ्री बी इज माइनस टू बी माइनस टू सी प्लस टू सी गायब हो गया थ्री प्लस टू बन गया पाँच तो b किसके बराबर माइनस फाइव बाई टू आ गया अब b आ गया तो फिर c भी आ सकता है c कैसे आएगा इसकी मदद से ही सो so, हम ये कहेंगे कि अगर b माइनस टू सी इज थ्री तो फिर इसको इधर इसको इधर तो b माइनस थ्री इज इक्वल टू टू सी तो c किसके बराबर b माइनस थ्री बाई टू के बराबर b की वैल्यू माइनस ऑफ़ फाइव बाई टू तो ऐसा करोगे तो c की वैल्यू आ रही है कितना माइनस फाइव माइनस सिक्स इज माइनस सेवन माइनस सेलेवन बाई फोर आपको भी आया तो एग्ज़ाम में इतना फास्ट होना पड़ेगा मेंटल मैथ्स करना पड़ेगा अब ये आ गया सी का कहानी तो ए तो माइनस सी के बराबर ही है तो एलेवन बाई फोर हो जाएगा तो एलेवेन बाई फोर सी माइनस एलेवेन बाई फोर और बी आ गया माइनस फाइव बाई टू ये सब को मद्दनज़र रखते हुए अदालत ने यह फैसला लिया है स्टेप नंबर थ्री हो गया है समाप्त और आप जा सकते हो स्टेप नंबर फोर में आपका हो चुका है बेल ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखना स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फोर हम ये कहेंगे कि दिस थिंग इज़ नाउ इक्वल टू किसके बराबर है कलर हमको ब्लैक ही रखना है ठीक है ए की वैल्यू थी हमारे पास इलेवन बाई फोर एक्स प्लस वन बी की वैल्यू थी माइनस फाइव बाई टू यह है एक्स प्लस वन का स्क्वायर सी की वैल्यू थी माइनस इलेवन बाई फोर और ये है एक्स प्लस थ्री चाहिए किसका इंटीग्रेशन चाहिए सर जी इस कहानी का इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन चलो फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व करो इसका इंटीग्रेशन कितना है 11 बटा चार बाहर ये बन जाएगा लॉग x प्लस वन कॉन्स्टेंट को बाहर इसका क्या होगा इसका ध्यान से माइनस फाइव बाई टू एक्स प्लस वन का पावर माइनस टू इसका इंटीग्रेशन है x प्लस वन का पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन फिर बाहर जो है माइनस सेवन बाई फोर इसका इंटीग्रेशन तो सरल है log x प्लस थ्री एक सेकेंड इसको खींच लेते हैं स्लाइड के अंदर ठीक है ये कहानी है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा टू गेट दी फाइनल आंसर तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं टू गेट दी फाइनल आंसर तो 11 बाई फोर देखो 11 बाई फोर लॉग ए और ये है माइनस इलेवन बाई फोर लॉग बी तो 11 बाई फोर को बाहर निकाल दे तो लॉग ए माइनस लॉग बी को हम कह सकते हैं लॉग ए बाई बी क्लियर है इसमें ये देखो ये माइनस और ये माइनस ये आपस में हो जाएंगे प्लस सो प्लस फाइव बाई टू ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का पावर माइनस वन ये आ जाएगा नीचे वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ही हो जाएगा और कहानी हो जाएगी समाप्त ठीक है तो इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल नंबर थ्री था जिसके अंदर x प्लस बढ़ चुका था तो वो ट्रेन को हमने चलाया तीन हमारे पास इक्वेशन बने उसको सॉल्व किया होगा इंटीग्रेशन देख करके तो पहचान लिए ना कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे सर जी ये तो इम्रॉपर फंक्शन है देखो एक्स ना जी ये प्रॉपर फंक्शन है इसका डिग्री माना टू है इसका डिग्री टू नहीं है एक्स एक्सक्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर फोर होगा तो हाइएस्ट डिग्री चार होगा सो न्यूमरेटर का डिग्री कम है कंपेयर टू द डिनोमिनेटर का डिग्री यानी ये भी क्या है एक प्रॉपर फंक्शन ही है तो ये भी एक प्रॉपर फंक्शन है पार्शल फ्रैक्शन का टेबल यूज कर सकते हो बट डायरेक्टली यूज मत करना क्यों क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्सक्वा अच्छा नहीं लगता है ना तो हम क्या करेंगे इसके फैक्टर्स तो आ नहीं रहे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे सब्सिट्यूशन एक्स स्क् एक्स स्क् एक्सक्वायर सभी जगह रख दो वाई लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई देर फोर हमारा क्या बन जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस वन इन टू वाई प्लस फोर देखो देखो अब ये टेबल से मैच कर रहा है या नहीं नीचे दो फैक्टर है तो ऐसा लिख सकते हैं ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाई सेकेंड फैक्टर कितना ईजी हो गया कहानी अब इसको सुलझाना कोई कठिन बात थोड़ी ना है अब आगे बढ़ेंगे तीसरा स्टेप करेंगे ए एंड बी को निकालना है अब तो आप प्रोसेस बखूबी जान चुके हो लेफ्ट हैंड साइड में वाई क्योंकि ये टर्म लेफ्ट और राइट दोनों में मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड में आ जाएगा वाई प्लस फोर प्लस बी इन टू वाई प्लस वन अब तो पेन ऐसे चलना चाहिए जैसे मक्खन y बाहर और अंदर ये ए वाई प्लस बी वाई है तो अंदर ए प्लस बी होगा राइट right और फिर हमारे पास है कांस्टेंट्स 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 है फोर ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड में है ज़ीरो प्लस वाई ध्यान से देखना ज़ीरो प्लस वाई तो कंपेरिजन जब करोगे तो कांस्टेंट्स कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लेना और बाकी हमारे पास जो वेरिएबल वेरिएबल है ये वाई और वाई इनके कोफिशंट्स कंपेयर कर लेना तो बनेंगे दो एक्सप्रेशन ए प्लस बी बराबर वन और बना फोर ए प्लस बी बराबर जीरो राइट ये बना अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू गेट द आंसर करेंगे सब्ट्रैक्शन ताकि बी कट जाए तो कल वो सब्ट्रैक्शन बी कट गए क्या बना माइनस थ्री ए दैट इज इक्वल टू वन ए की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई थ्री अगर ए आ गया माइनस वन बाई थ्री तो बी कितना होगा इसके हिसाब से हो जाएगा बी इज वन माइनस ए यानि वन प्लस वन बाई थ्री यानि थ्री प्लस वन हो जाता है चार सो फोर बाई थ्री ये तो ए आ गया माइनस वन बाई थ्री बी आ गया फोर बाई थ्री तो क्या इंटीग्रेशन सुलझाना कठिन है क्या नहीं सर जी अब ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है आसान करते हैं इसको सॉल्व याद रखना ये कितना था आपका ए था आपका माइनस वन बाई थ्री और बी हो गया फोर बाई थ्री ठीक है और भूल मत जाना वाई में कहानी थोड़ी ना थी रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सेंस वाई ऐसा लिखता हूँ सेंस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायेयर तो अब एक्चुअली हमारा सवाल तो ये था एक्स स्क्र बाई एक्स स्क्वायेर प्लस वन इन टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर तो किसके बराबर होगा माइनस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर बाई थ्री एक्सक्वेर प्लस फोर चलो ये तो टेबल से अभी भी मैच कर रहा है ना टेबल की कहानी क्या थी टैन इनवर्स की कहानी सर जी हाँ तो टैन इन उप्स ये क्या आ गया हमको फ्री स्लाइड चाहिए हमको आंसर तक पहुँचना है अब तक हम आंसर तक पहुंचे नहीं है जी चलो तो चलिए अब इसको कॉपी करते हैं यहाँ से भेजते हैं आगे और करते हैं इसका इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अब ध्यान से अब ध्यान से वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर जब आ जाता है ना तो इसमें स्टूडेंट कर जाते हैं गड़बड़ इसमें तो कर जाते हैं सही ठीक है वो दूसरे में गड़बड़ क्यों करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है तो मैं उनको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्र का फॉर्मेट हो ना तब इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए ये चीज़ का याद रखना है अगर ये चीज़ का याद रख देते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है जी देखो आंसर आ रहा है ये माइनस वन बाई थ्री बाहर माइनस वन बाई थ्री बाहर इंटीग्रल वन अपॉन स्क्वायर प्लस वन ए की वैल्यू वन ए की वैल्यू वन ए की वैल्यू वन कितना सरल सा टैन इनवर्स एक्स का आंसर आ रहा है तो so, ये बन जाएगा टैन इनवर्स एक्स अब, अब संभल करके फोर बाई थ्री बाहर बट वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर फोर को लिख सकते हैं टू स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू आ गई टू अगर ए की वैल्यू आ गई टू तो आंसर क्या होगा इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए ये हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस टू बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है तो यही है आपका फाइनल आंसर डन एंड डस्टेड समझ में आया इंटीग्रेशन में भी जब आप ध्यान नहीं देते हो ना वो इनवर्स वाले में तो गड़बड़ कर सकते हो तो बच करके रहना अच्छा ये वाला सवाल काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इसमें पार्शल फ्रैक्शन स्ट्रेट अवे यूज़ नहीं करना है पहले सब्सिट्यूशन फिर पार्शल फ्रैक्शन क्योंकि आप देख सकते हो इंटीग्रेशन काफ़ी खतरनाक है थ्री साइन फाइव माइनस टू इंटू कॉस फाइव डिवाइड बाई फाइव माइनस कॉस स्क्वेयर फाइव माइनस फोर साइन फाइव डी फाइव कितना होगा अरे बाप रे ये है ना ट्री को देख करके हमको हार्ट अटैक आता है सर जी अरे डरने की कोई बात नहीं है देखो ना यहाँ पर कॉस फाई डी फाइव दिखाई दे रहा है ना तो फिर साइन फाइव को वाई कर दो क्या कर दो यहाँ पर के लेट साइन फाई इज इक्वल टू वाई दरफो डिफ्रेंसीन करोगे तो कॉस फाइव डी फाई बन जाएगा डी वाई ठीक है तो अब आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो चुका है कुछ इस प्रकार से इंटीग्रल थ्री साइन फाइव तो ये थ्री वाई हो जाएगा और फिर वो कॉस फाइ डी फाइव हो गया है डी वाई नीचे बच करके क्योंकि फाइव माइनस कॉस स्क्वेयर फाई आ जाएगा इसका तो कोई भी सब्सिट्यूशन नहीं बताया सर जी ये तो पहला स्टेप है हम सब्सिट्यूशन की कहानी कर रहे हैं इसमें तो प्रॉपर इम प्रॉपर ये सब चेक भी नहीं किया है अब तक हमने ठीक है ध्यान से देखना शिफ्टिंग शिफ्टिंग थोड़ा सा कर रहे हैं सब्सिट्यूशन की कहानी चल रही है उस सब्सिट्यूशन की कहानी में अब ये कॉस स्क्र फाइव हमें तकलीफ़ दे रहा है तकलीफ़ की कोई बात नहीं है क्योंकि हमें पता है साइंस स्क्वेयर फाइव प्लस कॉस स्क्र फाइव बराबर होता है वन के राइट इसलिए हम ये कहेंगे कि कॉस स्क्र जो है वो बनेगा वन माइनस साइन स्क्वेयर फाइव सो वन माइनस साइन स्क्र के बराबर बनेगा तो हो गया ना कॉस स्क्र की कहानी एक्चुअली वन माइनस वाई स्क्वेयर की थी फिर माइनस फोर वाई ये चीज़ आपके पास है क्योंकि माइनस फोर साइन फाइव इज़ नथिंग बट माइनस फोर वाई क्लियर है जी अगर क्लियर है तो आप देख सकते हो अब अच्छा लग रहा है इंटीग्रेशन अब देख करके हम ये भी कह सकते हैं कि ये है प्रॉपर फंक्शन क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री वन है डिनोमिनेटर में हाइएस्ट है टू तो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है कंपेयर टू तो डिनोमिनेटर की डिग्री तो बिल्कुल यार ये हमारा एक प्रॉपर फंक्शन है ठीक है बट इसको और बढ़िया तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं थ्री वाई माइनस टू डी वाई डिवाइड by फाइव माइनस वन हो जाता है फोर फिर है प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई क्या किया जाए ऐसा जब भी आपके पास वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर या आर एन में दिमाग में कह रहे हैं तो होल स्क्वायर है वाई माइनस टू दी होल स्क्वायर का फॉर्म है जी यस yes, तो हम कहेंगे इसको इंटीग्रल थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस टू दी होल स्क्वायर डी वाई ये कहानी होगी तो अब आगे बढ़ सकते हैं इसको हम ऐसा कह सकते हैं इंटीग्रल ए माइनस टू पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से प्लस बी बाय वाई माइनस टू का स्क्वायर गाड़ी दो बार चलानी है याद आ गया अगर याद आ गया तो चलिए ए एंड बी को आप फाइंड करना है अब फाइंड करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस टू दी होल स्क्वायर ये चीज़ हमको मिला था सही बात फिर इसको हमने कह दिया कैसे इसको कह दिया हमने a बाई वाई माइनस टू प्लस बी बाई वाई माइनस टू का स्क्वायर ऐसा हमने कह दिया अब ये वाला प्लेयर लेफ्ट और राइट दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट वाला बनेगा थ्री वाई माइनस टू राइट वाला बनेगा ए इंटू वाई माइनस टू प्लस बी हाँ यार इसमें तो यार सीधा सीधा खेल खेल सकते हैं ए वाई प्लस कॉन्स्टेंट्स क्या है बी माइनस टू ए ये लेफ़्ट में आप देख सकते हो अब अगर आप कंपेरिजन वाला गेम खेलोगे तो ए बराबर तीन आ जाएगा और वो जो बी माइनस टू ए है वो बन जाएगा माइनस टू बट हमको ए तो तीन पता है तो बी कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस टू ए इस प्रकार से हो जाएगा सो टू को बाहर निकाले थ्री माइनस वन टू टू इंटू टू फोर तो बी आ गया चार ए आ गया तीन क्लियर बी आ गया चार ए आ गया तीन अब करो इसको सॉल्व करो सौल. इसको सॉल्व इसको सॉल्व करना अब आसान देर फोर आंसर इंटीग्रेशन का जो आंसर है ए कितना था जी सर ए हमारा यहाँ पर था तीन बी हमारा था चार तो तीन बाहर आ जाएगा इंटीग्रल वाई वन अपॉन वाई माइनस टू ये तो सीधा सीधा लॉग वाई माइनस टू की कहानी है फोर बाहर आ जाएगा ये लॉग की कहानी नहीं है जी ये है y माइनस टू का पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन सही बात और वो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में हम जोड़ देंगे ताकि आंसर आ जाए ठीक है तो फिलहाल हमारे पास क्या बच रहा है थ्री लॉग वाई माइनस टू माइनस वन और ये चार माइनस फोर बन जाएगा और फिर हमारे पास है ये प्लेयर जो बन जाएंगे अपने आप में वन अपॉन वाई माइनस टू सही बात अब देखो यार ये फ़ाइनल आंसर थोड़ी ना है क्योंकि हमारी चीज़ें किस में थी हमारी चीज़ें फाइव में थी सर जी तो रिसब्रीड्यूशन करो y इज इक्वल टू साइन फाइव करो और फिर फाइनल आंसर कहो तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे थ्री टाइम्स लॉग वाई की जगह कहेंगे साइन फाइव माइनस टू माइनस फोर इन टू वन अपॉन वाई की जगह साइन फाइव तो ये प्लस सी मत भूल जाना क्योंकि ये है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है तो ये आपका फाइनल आंसर है आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल एज वेल चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ आखिरी सवाल ऑफ द लेक्चर तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपन एक्स प्लस टू इंटू एक्सक्वायर प्लस वन डी एक्स क्या होगा अब वो पार्शियल फ्रैक्शन में सर जी वो जो टाइप है लीनियर ऊपर नीचे कोड वैसा हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है यही तो बचा है क्योंकि इसके फैक्टर तो बन नहीं सकते एक्सक्वायर प्लस वन के कोई आप ऐसे फैक्टर बना सकते हो एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस बी जहाँ पर रियल नंबर्स हो नहीं बना सकते सर तो फिर हमको यू जो करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन का वो जो टेबल में जो आखिरी में मेथड है वो ठीक है सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं क्या प्रॉपर फंक्शन है या नहीं डिग्री है टू इसमें एक्स स्क्वायेर इंटू एक्स बनेगा डिग्री थ्री न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है कंपेयर टू डिनोमिनेटर की डिग्री तो बिल्कुल ये है एक प्रॉपर फंक्शन ये हो गया पहला बात ये है एक प्रॉपर फंक्शन अब दूसरा दूसरा प्रॉपर फंक्शन होता है तो हमको कन्वर्ट भी करना होता है सो एक्स स्क्वायेयर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इन टू एक्स स्क्वायेयर प्लस वन ये पार्शल फ्रैक्शन के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं ए बाई एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायेयर प्लस वन ठीक है ऐसा हम इसको कह सकते हैं अब आगे बढ़े अब आगे बढ़ते हैं तीसरा स्टेप होता है ए बी सी को निकालना याद रखना ये पार्शियल फ्रैक्शन में कब यूज़ करना है ये वाला टेक्निक तभी यूज़ करना है जब वो कोड्रेटिक के फैक्टर्स बन नहीं रहे हैं तब देखो मैंने यहाँ पर कहा भी था कि टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है फाइव स्टार टेबल है देखो इसका जब आता नहीं है फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बनते नहीं है तब हम उसको ऐसा सॉल्व करते हैं ठीक है जी चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इसको सुलझाते हैं कहाँ पर थे हम यहाँ पर थे ठीक ए बी सी को हमको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा इस टर्म को लेफ्ट और राइट right दोनों में मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायेयर प्लस एक्स प्लस वन राइट हैंड साइड में हो जाएगा ए इन ये ये कटेगा ए के बगल में एक्स स्क्वायेयर प्लस वन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन कटेगा तो बी एक्स प्लस सी के बगल में एक्स प्लस टू बचेगा चलो ये सब बच रहा है ना बराबर से सॉल्व कीजिएगा अब एक्स स्क्वेर प्लस ए प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है बी एक्स स्क्र एक्स स्क्र में तो यही बनेगा फिर यहाँ से बनेगा ये अच्छा टू बी एक्स प्लस ये बनेगा सी एक्स प्लस टू सी चल अब कंपैरिजन का खेला टू गेट दी इक्वेशंस तो कंपेयर कर लेते हैं जी उसमें क्या दिक्कत वाली बात है इसको इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ तो बनेगा a प्लस बी दैट इज इक्वल टू वन इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बनेगा टू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू वन इसको इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बनेगा a प्लस टू सी दैट इज इक्वल टू वन तीनों इक्वेशन जब आ जाते हैं ना तो आदमी साइमल्टेनियसली सॉल्व करता है टू गेट दी आंसर राइट चलो तो यही सबसे मशक्क़त वाला खेला होता है कि तीन इक्वेशन हमारे पास है और इनको साइमल्टीनियस सुलझाना है कैसे करेंगे कैसे करेंगे सर जी अगर ध्यान से देखे तो है ना इनको इनको पहले देख लेते हैं कि अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2a ए प्लस टू बी दैट इज़ इक्वल टू टू हो जाएगा इसको ऐसे ही रखते हैं कि ये है 2b बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू वन और क्या करेंगे इनके साथ करेंगे सब्ट्रैक्शन अगर सब्ट्रैक्शन कर ले तो 2b 2b कट जाएगा 2a ए माइनस सी दैट इज इक्वल टू टू माइनस वन वन हो जाएगा अब ये और ये इनको लेते हैं टू गेट दी आंसर ठीक है तो हमारे पास क्या है टू ए माइनस टू ए माइनस सी दैट इज इक्वल टू वन और इसमें अगर हम टू से मल्टीप्लाई करें ठीक है ध्यान से देखना इसमें अगर हम कर दें इन टू टू सो टू ए प्लस फोर सी टू ए प्लस फोर सी दैट इज इक्वल टू टू बन जाएगा अब करेंगे सब्ट्रैक्शन तो टू टू ए माइनस टू ए कट जाएगा माइनस सी माइनस फोर सी हो जाएगा माइनस फाइव सी वन माइनस टू हो जाएगा माइनस वन यानी c का जो आंसर आ रहा है कैन यू सी इट इज़ वन बाई फाइव अगर c आ गया वन बाई फाइव तो a तो निकाल सकते हैं इसमें से है ना तो a कितना आ जाएगा वन प्लस सी बाई टू ठीक है तो a आ जाएगा वन प्लस वन बाई फाइव बाई टू तो फाइव प्लस वन सिक्स बाई टेन सिक्स बाई टेन हो रहा है ए इज़ सिक्स बाई टेन टू से कटेगा तो थ्री बाई फाइव बनेगा सो थ्री बाई फाइव आ रहा है अब ए आ गया सी आ गया चाहिए बी बी यहाँ से निकाल सकते हैं बी इज इक्वल टू वन माइनस ए तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस थ्री बाई फाइव या नहीं ये हो जाएगा टू बाई फाइव सो बी आ गया टू बाई फाइव ए आ गया थ्री बाई फाइव सी आ गया वन बाई फाइव ए बी सी सब तैयार अगर ए बी सी सब तैयार तो हम भी तैयार टू गेट दी फाइनल आंसर तो इस वाले को अब फाइनली सॉल्व कर लेते हैं ए की वैल्यू कितनी थी ए की वैल्यू थी थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव ये है एक्स प्लस टू स्प्लिट कर लो इसको ऐसा कह दो बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसा कह लो ठीक है सो so, अगर ऐसा कहेंगे सर जी तो ये कितना बन रहा है b की वैल्यू थी टू बाई फाइव एक्स बाई यह बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन सी की वैल्यू कितनी थी वन बाई फाइव ये बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायेयर प्लस वन चलो इंटीग्रेट करना है टू गेट दी आंसर क्योंकि हमको चाहिए था इसका इंटीग्रेशन तो ये इसका इंटीग्रेशन तो इंटीग्रल 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 ओके okay. तो पहले वाले का इंटीग्रेशन तो बड़ा सरल है इंटीग्रल थ्री बाई फाइव वन अपॉन एक्स प्लस टू तो सीधा लॉग ऑफ एक्स प्लस टू कह सकते हैं इसका क्या करें सर न्यूमरेटर में डिफ्रेंसीशन बैठा है ये देखो टू एक्स है ना डिनोमिनेटर के फंक्शन का न्यूमरेटर में डिफ्रेंसीशन बैठा है तो वन बाई फाइव को बाहर निकालो और वो डिफ्रेंसीशन वाले टेक्निक से कह दो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर याद आया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ये कहानी प्लस वन बाई फाइव बाहर और इसका क्या करे वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ये टैन इन्वर्स की कहानी है सो टैन इन्वर्स एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी तो फाइनली आपको आंसर आ चुका है ये लंबा चौड़ा ये जो फंक्शन आया है यही आपका इंटीग्रेशन का आंसर है यूजिंग पार्शल फ्रैक्शन समझ में आया पार्शियल फ्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप है पहले प्रॉपर है या इम प्रॉपर प्रॉपर है तो आगे इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में कन्वर्ट करो दूसरा है टेबल के हिसाब से क्या आता है क्या टेबल के हिसाब से डायरेक्ट फैक्टर्स आ रहे हैं तो बढ़िया है स्प्लिट करके सॉल्व करो नहीं आ रहे हैं तो फिर ये लीनियर वाला और अगर फैक्टर्स के ऊपर पावर चल रही है तो वो ट्रेन के हिसाब से आगे चलो जितना पावर उतने बार वो स्प्लिटिंग होगा और फिर बाद में ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट दी कॉन्सटेंट कॉन्स्टेंट को पुट करो फिर तो आंसर अपने आप आ ही जाता है तो ये था पूरा का पूरा पार्शल फ्रैक्शन आई होप यू एन्जॉय क्लास